हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरा चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल। मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान, क्योंकि मैं आपके बोर्ड के लिए हार्ड टॉपिक जो है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सब यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि इसके पहले दो वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, तो इसके दो पार्ट हो गए। हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया और हमने पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, ये फार्मूला भी फाइंड कर लिया, तो जिसमें डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर तुमको बोला जाता है फाइंड करने के लिए, तो इतने में डेरिवेशन हो जाता है। इसका आगे का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए मैं ये नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ इसको। तो देखते हैं हम लोग स्पेशली ब्राइट पॉइंट के लिए, डार्क पॉइंट के लिए क्या होने वाला है, और फ्रिंज विड्थ, ये तीन फॉर्मूले और बनाने वाले हैं इसके आगे कंटिन्यूएशन। अगर थर्ड वीडियो आपने देखा है तो उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो में मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे उसमें फिनिश हुआ है। तो स्टार्ट करते फटाफट। फॉर ब्राइट फ्रिंज में क्या होता है पाथ डिफरेंस, ये कंडीशन हमको जनरल फॉर्मूले पता होना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस कितना होता है, राइट? तो फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट? तो हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया है। एन क्या है? एन यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है। एन कहाँ से स्टार्ट होता है? एन की वैल्यू क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है, प्लस माइनस वन हो सकती है, प्लस माइनस टू हो सकती है, एंड सो ऑन, राइट? सो अब ये जो इक्वेशन है, इसी के साथ कंपेयर करना। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया है, वो जो कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये दोनों को कंपेयर करना है सिंपली, राइट? कंपेयर करेंगे तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो वाई डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अब ये वाई को स्पेसिफिक बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे वाई एन लिखते हैं फॉर एंथ ब्राइट पॉइंट। नंबरिंग होती है ना, पैटर्न जब फॉर्म होता है, राइट? तो उस हिसाब से तो यहाँ पर हो गया वाई एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर एंथ ब्राइट फ्रिंज, राइट? स्क्रीन पे जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा उसमें लैम्डा वेवलेंथ क्या है लाइट की, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, ये हो गया वाई एन का फॉर्मूला फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब फॉर डार्क फ्रिंज करेंगे अगर हम लोग, तो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस डेल्टा एल, पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू लैम्डा, मतलब ऑड मल्टीपल। जैसे यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन था, तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल यूज़ होने वाला है, ठीक है? तो अब देखते हैं, तो ये हो गया अपना एन माइनस वन बाई टू लैम्डा, ओके? इसको किसके साथ कंपेयर करना है, समझ गए होगे अभी तक? ये सबसे पहला जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला आया, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। तो मैं डायरेक्टली कंपेरिजन के बाद लिखता हूँ, देयरफॉर वाई डी अपॉन कैपिटल डी एन माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा। इसमें भी वाई क्या लगाना है तुमको, एन लगाना है, एंथ ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए है ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ओके? वाई एन का फॉर्मूला क्या होगा, ये डी जाएगा ऊपर, ये डी जाएगा नीचे, इस साइड में, अपोजिट साइड में, एन माइनस वन बाई टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ओके? चलो, ये भी हमने जनरल इक्वेशन बना लिया। ये दोनों इक्वेशन अब तुम इसमें वैल्यू पुट करके पता कर सकते हो कौन सा ब्राइट या डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रहा है, और उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब नेक्स्ट जो इसमें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बचा खुचा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ दोनों के लिए सॉल्व किया जाता है, लेकिन मैं सिर्फ डार्क या सिर्फ ब्राइट का बताऊँगा तुमको फ्रिंज विड्थ। तो हम कंसिडर करते हैं, हमारे पास ना दो, जैसे पैटर्न मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये पैटर्न है,
ये सेंट्रल मैक्सिमम होता है, ये ऊपर ब्राइट, ऊपर डार्क होता है, इसके डार्क, नीचे डार्क, और यहाँ पे ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट, फिर से डार्क, फिर से ब्राइट। ओके, अब इसमें क्या होता है, दो कॉन्जिकेटिव सक्सेसिव, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में जो डिस्टेंस होता है यही होता है तुम्हारा फ्रिंज विड्थ, इसको फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं, या फिर दो सक्सेसिव डार्क के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। दोनों ही सेम होते हैं, तो किसी एक का मैं फाइंड करूँगा। सो मैं फॉर nth, सपोज ये मेरा nth ब्राइट फ्रिंज है, तो ये इसका काउंटिंग क्या होगा, n प्लस वन होगा। तो n और n प्लस वन के लिए फॉर्मूला लिखना है, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज क्या आएगा फॉर्मूला, y n इज इक्वल टू, देख सकते हो यहाँ से, n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा कैपिटल d बाय स्मॉल d, इक्वेशन वन, फॉर n प्लस वन, एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज, राइट, एन प्लस वन ब्राइट फ्रिंज के लिए एन प्लस वन रखोगे, मतलब जहाँ पे भी एन है वहाँ पे प्लस वन करना है, बाकी सब कुछ सेम। इक्वेशन नंबर टू, विड्थ फाइंड करने के लिए, मतलब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि विड्थ का फॉर्मूला होता है वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, अब इससे समझ में आ गया है हमको, एन प्लस वन लैमडा डी बाई डी, ये हो गया इसका वैल्यू, और माइनस इसकी वैल्यू, तो n इक्वेशन वन में है लैम्डा d बाई डी। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग लैम्डा d बाई डी कॉमन है, तो यहाँ पे n प्लस वन और ये माइनस वन, यहाँ से लिया तो ये वाला n, राइट, इसको भी हमने कॉमन ले लिया, ऐसा समझ लो, नहीं n लेंगे, n है तो n ना, ओके, माइनस प्लस माइनस हो गया, लैम्डा d बाई डी, बहुत ही सिंपल है, ये आ गया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। तो हमारा वीडियो फाइनलाइज हो गया फ्रिंज विड्थ के साथ में, ये तीन वीडियो का सेट जो है ये देखने के बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग बच जाती है जो कि प्रैक्टिस से आएगी, उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो ये हुआ आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, जो भी और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मैसेज कर सकते हो पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर, मैं ज़रूर आपका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।